हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप फ्यूचर में हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर YouTube चैनल। आई एम डॉक्टर सुमन अगरवाल, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट ग्रे स्किन हेयर ट्रांसप्लांट एंड लेजर क्लिनिक। आज हम डिस्कस करेंगे बोटॉक्स के बारे में। बोटॉक्स एक बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट है जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बहुत लोग कराते हैं। इसको एक सेलिब्रिटी लेवल की ट्रीटमेंट माना जाता है, लेकिन ये बहुत अफोर्डेबल हो गई है, इसलिए आजकल रूटीन कॉमन पब्लिक इसको बहुत कॉमनली करवाती है। बोटॉक्स क्या है? बोटॉक्स एक प्रोटीन है, डेरिवेटिव है, जो कि बॉडी में कोई मसल में इंजेक्ट करने से वो उसको रिलैक्स कर देता है, मतलब उसका सिकुड़ना कम कर देता है। इसके वजह से उस मसल के वजह से जो इफ़ेक्ट आ रही है वो बंद हो जाती है। इस बेसिस पे इसको कई मेडिकल कंडीशन में यूज़ किया जाता है। काफ़ी मेडिकल कंडीशन में ये यूज़ होता है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे स्किन और एस्थेटिक्स में इसके क्या यूज़ हैं। ओके, बोटॉक्स बेसिकली फेस और गर्दन की स्किन में ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। कुछ कंडीशन में जैसे कि हाइड्रेनाइटिस सपोरेटिवा, जो कि कंडीशन एक अंडर आर्म्स में और ग्रॉइन एरिया में कॉमन है, और हाइपरहाइड्रोसिस, जो यूजुअली अंडर आर्म बगल में और हाथों की स्किन में ज़्यादा होता है, तो उसमें भी बोटॉक्स यूज़ होता है। पर ज़्यादा कॉमन जो इंडिकेशन है स्किन में वो है त्वचा को, स्किन की, फेस की त्वचा को और गर्दन की त्वचा को रिंकल्स उसके मिटाना और यंगर दिखाना। तो ओके, इसके कॉमन इंडिकेशंस क्या है? बेसिकली ये इस बात पे निर्भर करते हैं कि जो फेस की मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो स्किन से डायरेक्टली अटैच होते हैं फेस और गर्दन की, जो कि बॉडी से अलग है। तो उसके वजह से जब वो मसल सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कोई एक्शन के लिए या कोई एक्सप्रेशन के वक्त, तो वो साथ में स्किन को भी खींचता है, जिसके वजह से एक रिंकल या लाइन बन जाती है। ये लाइन शुरुआत में जब हम बोलते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, तभी दिखती है, लेकिन कॉन्स्टेंटली वो लाइन बार बार बनने की वजह से वो परमानेंट लाइन हो जाती है, जो कि बिना कोई एक्सप्रेशन के स्ट्रेट एक्सप्रेशनलेस फेस में भी दिखने लगती है। इस लाइन्स को मिटाने के लिए बोटॉक्स बहुत कॉमनली यूज होता है। अब हम समझ गए हैं कि ये किस तरह वर्क करता है, तो हम समझ सकते हैं इसकी इंडिकेशन क्या हो सकती है। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक फेस में ये हर जगह यूज हो सकता है। फोरहेड लाइंस के लिए, जो माथे पे लाइंस बनती है जब हम आईब्रोज को ऊपर करते हैं, फ्राउन लाइंस, गुस्से में आने की वजह से जो दोनों आईब्रोज के बीच में लाइन बनती है, उनके लिए यूज होता है। क्रोस फिट, मतलब हंसते वक्त या दांत दिखाते वक्त जो आंखों के साइड में तीन या चार लाइंस बनती हैं, उनके लिए। बनी लाइंस, जो नोज़ के ऊपर लाइंस बनती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, उनके लिए यूज़ होता है। आइस के नीचे लाइंस जो आती हैं हंसने के वक्त, जिसके वजह से आइस छोटी दिखती हैं, उनमें भी ये यूज़ होता है, जिससे आइस खुली हुई और ज़्यादा ब्राइट दिखती है। फिर वर्टिकल लाइंस अराउंड माउथ, स्मोकर स्लिप और जनरली भी विथ एजिंग होठों के अगल बगल वर्टिकल लाइंस हो जाती हैं, जो कम हो सकती हैं। इससे नेजल फ्लेयर, मतलब जो नाक का फूलना होता है, वो कम हो सकता है। इसके सिवा ये जॉ डिफाइनिंग में यूज़ हो सकती है दो तरह से। एक तो जिनके ये सेटर मसल्स चबाने के वजह से ये बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, इसमें इंजेक्शन देने से ये सॉफ्ट हो जाते हैं और नीचे का शेप जो है वो ओवल दिखता है, स्क्वायर दिखने के बजाय, जो ज़्यादा फेमिनाइन लगता है, सॉफ्ट लगता है और वजन आपका कम हो गया हो ऐसा लगता है। इसके सिवा नेफर्टिटी लिफ्ट होता है, जिसमें जॉ गर्दन के पार्ट में दिया जाता है, तो जो गर्दन के मसल्स जॉ लाइन को नीचे खींच रहे होते हैं वो कम हो जाता है और जॉ ज़्यादा डिफाइन लगता है, कंटूरिंग वाली इफेक्ट आती है। इसके सिवा ये कुछ पार्ट्स को लिफ्ट करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, जैसे आईब्रो लिफ्ट, नेजर टिप लिफ्ट, एंगल ऑफ माउथ लिफ्ट, जो एंगल ऑफ माउथ नीचे होने की वजह से सैड फेस का अपीयरेंस आता है, वो कम करने के लिए, लिफ्ट होने के लिए यूज़ हो सकता है। पॉपली चिन, जो चिन में रिंकल इफेक्ट होती है, वो कम करने के लिए यूज़ हो सकता है। नेक के रिजुविनेशन में यूज़ हो सकता है। कई लोगों को ओपन पोर्स होते हैं, जो ये पोर्शन में गड्ढे दिखते हैं, गड्ढे नहीं होते, बेसिकली वो रोम छिद्र होते हैं जो फैले हुए होते हैं, वहाँ पर इंजेक्शन देने से सुपरफिशियल लेवल पर उसकी विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, स्किन काफ़ी स्मूथ और सॉफ्ट लगती है। बोटॉक्स से रिंकल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि मसल रिलैक्स हो जाता है, वो सिकुड़ना बंद हो जाता है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो
आपको इमीडिएट जो हफ्ते 10 दिन के अंदर इफेक्ट आती है बोटॉक्स की, उस दौरान से लेके 3 से 6 महीने तक जब तक उसकी इफेक्ट रहती है तब तक वो रिंकल नहीं पड़ते हैं। तो उस टाइम पे आप यंग लगते हैं कंपेयर टू योर जनरल एज। और एक फ़ायदा ये होता है कि उतने दिन तक रिंकल ना बनने की वजह से, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने की वजह से, उसकी पावर भी थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर आप रेगुलर इस इंजेक्शंस को रिपीट करते हैं तो इसकी पावर एफिकेसी बहुत बढ़ जाती है, इसकी डोज रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और इफेक्टिवली हमें कॉस्ट कम हो जाती है। अब ये जो इंजेक्शंस है ये हम देते हैं तो कैसे देते हैं, ये एक ऑफिस प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल है, थोड़े से टाइम में हो जाती है, यूजुअली कुछ मिनट्स लगते हैं। तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं होती, कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जब आप आएंगे ये प्रोसीजर के लिए, कभी कभी आपको नंबिंग क्रीम लगाने के बाद इंजेक्शन दिए जाते हैं, कभी डायरेक्टली दिए जाते हैं। इंजेक्शन देने के बाद आपको वो मसल को एक्सरसाइज करना होता है जिस मसल में ये इंजेक्शन दिया गया है। कुछ 3 से 6 घंटे के लिए आपको लेटना अवॉइड करना होता है जिससे कि ये ज़्यादा फैले नहीं इंजेक्शन, और कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं लेने होते हैं। ये जो इंजेक्शन है ये बेसिकली बहुत ही सेफ है सिर्फ प्रेगनेंसी में। अगर कोई मसल डिसऑर्डर है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जैसे कि माइस्थीनिया ग्रेविस, या आपको नोन सेंसिटिविटी है इससे, या आपको कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, तो यूजुअली ये इंजेक्शन देना हम उस टाइम अवॉइड करते हैं, लेकिन बाद में हम दे सकते हैं। ये इंजेक्शन यूजुअली हम 16 साल से कम उम्र में देना अवॉइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्पेशल सिचुएशन वी कैन गिव, लेकिन ज़्यादातर ये 30 साल से बड़ी उम्र में ज़्यादा नीडेड होता है। इसके बारे में लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है जो मैं ब्रेक करना चाहूँगी। ये बहुत टाइम से यूज़ हो रहे हैं दूसरी मेडिकल कंडीशन में, इसलिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। लोग ये सोचते हैं ये सेफ नहीं है, ये एब्सोल्युटली सेफ है अनलेस आपको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशंस में किया जाए। ये बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होता है इसलिए बॉडी पे इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं ये हैबिट फॉर्मिंग है, बॉडी को इसकी आदत नहीं लग सकती क्योंकि ये बॉडी में जाता ही नहीं है। हैबिट फॉर्मिंग लोग इसलिए समझते हैं क्योंकि जब इतने 3 से 6 महीने के लिए आपकी स्किन मच बेटर लगती है तो आप चाहते हैं कि वो इफेक्ट रिपीट हो, इसलिए आप रिपीटेडली उसको कराना चाहते हैं, लेकिन इसकी कोई हैबिट नहीं पड़ती है बॉडी को। ये कई लोग सोचते हैं कि इसको रिपीट कराना ज़रूरी है, इसको रिपीट कराना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसकी इफेक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो या कोई भी रीज़न से आप आगे नहीं रिपीट करना चाहते हैं तो नहीं रिपीट करने के कोई नुकसान नहीं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि रिंकल्स पहले से भी ख़राब हो जाएंगे, लाइन्स पहले से भी ख़राब हो जाएंगे, जो बिल्कुल ही फॉल्स है। बेसिकली 3 से 6 महीने के लिए आपके वो रिंकल्स नहीं पड़े तो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी ये होगा कि परमानेंट रिंकल्स जो आपको जितने भी टाइम में पड़ने वाले थे उससे 3 से 6 महीने वो डिले ही होंगे, वो जल्दी नहीं पड़ेंगे और ज़्यादा ख़राब कभी भी नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इनकी बॉडी पे कुछ टॉक्सिसिटी इफेक्ट होगी क्योंकि टॉक्सिन नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसकी साइड इफेक्ट्स एकदम मिनिमल होती है, हल्का सा ब्रूजिंग मतलब कि ब्लीडिंग माइल्ड हो सकती है, थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है कुछ टाइम के लिए, ये साइड इफेक्ट्स एकदम माइनर है, चले जाते हैं। हाँ, बोटॉक्स एक सेफ हैंड्स में ट्रेंड प्रोफेशनल के पास कराना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि अगर अनट्रेंड प्रोफेशनल्स या बहुत ओवरडोजिंग करने से आपका फेस प्लास्टिक जैसा हो सकता है, मतलब एक्सप्रेशन लेस, जिसमें कोई एक्सप्रेशंस नहीं दिखते हैं, ऐसा लगेगा कि फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। लेकिन अगर आप सेफ हैंड्स में कराते हैं, ट्रेंड प्रोफेशनल से कराते हैं, तो आपका फेस बिल्कुल प्लास्टिक जैसा नहीं लगेगा, बहुत ही नेचुरल लगेगा, एक्सप्रेशंस भी सब बनेंगे। बस जो नेगेटिव एक्सप्रेशन है जैसे फ्राउन लाइंस, गुस्से में होने वाली, जो आईब्रो रेज करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब एक्सप्रेशन लाइंस यूजुअली प्लीजिंग नहीं लगती हैं, वो ही हम इरेज करते हैं नॉर्मली। तो बोटॉक्स बहुत ही सेफ प्रोसीजर है जिससे आपकी लुक्स बहुत एनहेंस हो सकती है और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसकी इफेक्ट 3 से 6 महीने लास्ट करती है। तो जो भी आपको कॉस्ट पड़ रही है वो 3 से 6 महीने तक आप उसका एडवांटेज यूज़ कर रहे हैं। बोटॉक्स के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो या आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट कंसिडर कर रहे हो, प्लीज़ फील फ्री टू कंसल्ट अस एट ग्रे स्किन हेयर ट्रांसप्लांट एंड लेजर क्लिनिक। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।